अभी तक आप लोग देखते आए सुपर फैंटेसी वाले शो, फैमिली ड्रामा शो पर कलर्स टीवी लेकर आ रहा अपना एक माइथोलॉजिकल शो जिसका नाम है राम सिया के लव कुश। तो हमारे साथ इसमें राम की भूमिका निभा रहे हिमांशु सोनी मौजूद है। हिमांशु जी, सबसे पहले तो आपका लखनऊ में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। क्या कहना चाहेंगे लखनऊ के लिए? सर, लखनऊ के लिए कहना चाहेंगे यहाँ के लोग बहुत बहुत मधुर हैं, जिनसे जो भी मेरी कभी थोड़ी बहुत बातचीत भी हुई थी तो बहुत सॉफ्ट हार्टेड हैं। और सबसे अच्छी बात है, ये नवाबों का शहर है लेकिन यहाँ की जो चीज़ें हैं, यहाँ जो जो भी चीज़ है, इमामबाड़ा हो गया, ऐसा हो गया, जो हमने जो भी गूगल पे देखा है तो उससे वो चीज़ झलकती भी है। और यहाँ का फूड बहुत अच्छा है, मैं ट्राई करूँगा। और सब लोगों को मेरी तरफ से शुभकामनाएं हैं। और हम एक ऐसा शो लेके आ रहे हैं जो आप ही के शहर के नज़दीक अयोध्या में जन्मे प्रभु श्री राम की के बारे में और उनकी रामायण के बारे में है, उनके बेटों के पॉइंट ऑफ व्यू से, लवकुश के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप सब देखिए, और कुछ सत्य जो छुपे हुए थे, कुछ सत्य जो आपको पता थे, वो सब फिर से सामने आएंगे और एक अलग तरीके से आएंगे। रामायण वही है, दर्शाने का तरीका अलग है। तो मैं चाहूँगा आप सब देखें, हमें सहयोग करें। हिमांशु जी, इसमें आप भगवान राम का रोल निभा रहे हैं, तो इसमें आपको अपनी लाइफ में कितना सेक्रीफाइस करना पड़ा? जब आप बाहर जाते हैं तो लोग आपको उसी की तरह देखते हैं, खाने पीने के लिए किस तरह के सेक्रीफाइस? राम का रोल निभाते हुए मुझे 25-30 दिन हो गए हैं, हमारा एपिसोड अभी शूटिंग स्टार्ट ही हुई है। तो आई होप सो कि जब ये स्टार्ट हो जाएगा उसके बाद में, आज के वैसे यूथ आजकल बहुत इंटेलिजेंट हो गई, उसको पता है कि जो एक्टर है वो एक्टिंग कर रहा है और वो किस कितनी अच्छी कर रहा है, नेचुरल कर रहा है, फेक कर रहा है, वो सब भी जजमेंट आज पहले ही दिन फिल्म आती है, रिव्यू आ जाते हैं। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि लोग आपको भगवान समझ लेते हैं। हाँ, बट एक उम्र के बाद, जैसे मेरी मॉम हो गई या मेरी नानी हो गई, वो ज़रूर आपको प्रभु ही समझती हैं, क्योंकि उनके लिए आप अभी भी बच्चे ही हो और आप इस तरह का कर रहे हो। तो लोगों को पता है कि मैं भगवान नहीं हूँ, बट मैं उसको कितनी खूबसूरती से निभाता हूँ, कितना अलग तरीके से, और वो कितना उस चीज़ को डाइजेस्ट कर पाते हैं और उसको सराहते हैं, वो मेरे लिए कामयाब। पहले की रामायण से कितना अलग होगा? सर, पहले की रामायण 1988 की रामायण थी, तब कुछ भी चीज़ नहीं होता था, ना VFX था, ना सेट था, ना कुछ था, तब TV भी नहीं होते थे लोगों के पास। तो उस रामायण को तो आज के यूथ ने देखा ही नहीं है, तो हम कंपेयर ना करें तो ज़्यादा बेटर है। और हमारी जो रामायण है वो आज के युग के 2019 की है, अच्छे VFX हैं, बड़े बड़े सेट्स हैं, अच्छे एक्टर्स हैं, अच्छी टीम है, हमारे प्रोड्यूसर बहुत अच्छे हैं, इतना बड़ा शो बना रहे हैं जो लोगों को ऐसा लगेगा कि वो कोई फिल्म देख रहे हैं, वो भी बहुत बड़े बैनर की। आप देखेंगे आपको पता लगेगा। हिमांशु जी, INI TV से बात करने के लिए थे, हमारे साथ थे, राम की भूमिका निभा रहे हिमांशु सोनी।